नेशनल हाईवे के किनारे अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश पर दुकानों को जमींदोज कर दिया। इसके साथ ही प्रशासन ने अतिक्रमण करके बनाए गए पक्के मकानों को भी हटाने का अल्टीमेटम दिया है। उधम सिंह नगर के खटीमा नगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चला। तहसीलदार हिमांशु जोशी के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने एनएच प्रशासन और पुलिस विभाग के साथ संयुक्त रूप से अभियान चलाया। टीम ने नेशनल हाईवे के किनारे अवैध रूप से बनाई गई लगभग 10 कच्ची दुकानों को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाए जाने के बाद दोबारा हाईवे के किनारे अतिक्रमण न करने की हिदायत दी। वहीं प्रशासन ने अवैध रूप से अतिक्रमण करके बनाए गए पक्के मकानों को भी हटाने के लिए नोटिस जारी की और कहा कि तत्काल स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन सख्त रवैया अख्तियार करेगा। इस मामले पर तहसीलदार हिमांशु जोशी ने बताया कि खटीमा शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। अवैध अतिक्रमण को तोड़ा गया। करीब 10 अवैध अतिक्रमण तोड़ दिए हैं जो कच्चे से बने हुए थे, जिनमें छोटे मोटे दुकानें वगैरह चल रहे थे। इसके बाद हम जो पक्के निर्माण उनको भी नोटिस दे रहे हैं कि वो अपने अतिक्रमण के शीघ्र हटा लें, ताकि स्थिति में प्रशासन को इसमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। और इसके बाद भी हमारी कार्रवाई अभी लगातार चलती रहेगी। अन्य जगह भी हमने चिन्हित कर रखी है जहाँ पे आगे के दिनों में कार्रवाई होनी है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।